students, I Vinesh welcome you to science class. Students, we are learning chapter number 9, that is the living organisms and their surroundings. तो हमने aquatic और terrestrial habitat के बारे में पढ़ा था. आज हम discuss करेंगे characteristic features of the living beings. कि जो living organisms हैं, you know that कि हमारे earth पर सब तरह के organisms रहते हैं, living भी और non-living भी. है ना, सॉरी ऑर्गेनिज्म नहीं, कंपोनेंट्स हैं लिविंग और नॉन लिविंग. ठीक है, तो हम आज बात करेंगे लिविंग कंपोनेंट्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की, कि उनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि उन्हें अलग करते हैं नॉन लिविंग से. ठीक है, तो सबसे पहले है लिविंग बींग्स नीड फूड. हम सभी को जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए. क्योंकि अगर हम फूड नहीं लेते हैं, नहीं खाते हैं, तो क्या होगा, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी और जो फंक्शनिंग है, वर्किंग है, वो भी स्टॉप होना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी. तो इसलिए हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, हमें फूड चाहिए. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी क्या खाते हैं, फूड खाते हैं जीवित रहने के लिए. ठीक है, और इसके अलावा हम पानी ड्रिंक करते हैं अपनी बॉडी को, के जो रिएक्शंस हैं बॉडी के अंदर होने वाले उनको प्रॉपरली मेंटेन रखने के लिए. इसके अलावा है कि जो लिविंग बींग्स हैं आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड ग्रो. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए होते हैं. जैसे एक बिल्डिंग है, एक मकान है, घर है, वो कैसे बनता है, एक ब्रिक्स का यूज करके बनाया जाता है ना, पहले एक ईंट रखी जाती है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी. सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी भी कैसे बनती है, सेल से बनती है. सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक. ये हमारी बॉडी का क्या है, सेल बिल्डिंग ब्लॉक है, मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट है जो हमारी बॉडी को फॉर्म करती है, बनाने में हेल्प करती है. ठीक है, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल से बने हुए होते हैं और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो भी करते हैं. लेकिन जो एनिमल्स हैं लाइक अस, हमारी तरह, वो क्या करते हैं, वो एक सर्टेन एज तक ही ग्रो करते हैं. ऐसा नहीं है कि वो होल लाइफ ग्रो करते रहते हैं. एक सर्टेन एज, एक फिक्स एज तक पहुंचने के बाद उनकी जो बॉडी की ग्रोथ है, बॉडी की ग्रोथ का मतलब क्या है कि इंक्रीज इन साइज, साइज में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, साइज जो बढ़ रहा है, वो एक पर्टिकुलर स्टेज पर जाकर रुक जाता है. ठीक है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो दे ग्रो होल लाइफ, जो उनका लाइफ स्पन होता है, जितना भी वो सर्वाइव करते हैं उसमें वो ग्रो करते ही रहते हैं. ठीक है, तो ये था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल से बने हैं और वो ग्रो करते हैं. अब हम बात करें नेक्स्ट की, लिविंग बींग्स जो होते हैं वो रेस्पायर करते हैं टू गेट एनर्जी. यू नो कि हम सभी फूड खाते हैं और उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट होने के बाद जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस होते हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है ना. तो और इसके अलावा हम ब्रीथ भी करते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं. तो देखिए, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो क्यों लेते हैं, टू गेट एनर्जी, एनर्जी लेने के लिए. अब यहाँ पे हम समझेंगे कि एनर्जी हमें कहाँ से मिली. जो ऑक्सीजन हमने लिया, ठीक है, वो हमने जो फूड खाया था, जो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है, उसको बर्न करने में हेल्प करती है. यू नो कि ऑक्सीजन किसके लिए चाहिए, किसी भी चीज को बर्न करने में हेल्प करती है ऑक्सीजन, एक बर्निंग का काम करती है. तो यहाँ पे हमारी बॉडी में जाने के बाद ये क्या करती है, जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया है उसको भी बर्न करने में हेल्प करती है. और बर्न करती है वो किस में कन्वर्ट करती है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. ठीक है, इनके अंदर वो कन्वर्ट कर देती है. तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन कहा जाता है. और अब और इजी वे में हम समझे तो वो क्या है कि द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी. फूड का ब्रेकडाउन किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, टू गेट एनर्जी. एनर्जी लेने के लिए जो फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है. और हम सभी को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, है ना, किसी भी तरह की एक्टिविटी चाहिए. अगर आप बैठे भी हैं एक जगह पर तो भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, है ना.
तो ये सभी मींस हमें एनर्जी वो कहां से मिलती है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, बाय द टिनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव के जो नीचे वाली सतह होती है, सरफेस होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, उन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। जो टिनी पोर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है स्टोमेटा, और वो हेल्प करते हैं किसमें, फॉर द गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, उसके बाद है कि जो लिविंग बींग्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं बॉडी वेस्ट को, मीन्स उनकी बॉडी जैसे जो फूड खाया उसके बाद जो वेस्ट है बॉडी का, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हम क्या करते हैं ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपनी बॉडी के वेस्ट को बॉडी से बाहर थ्रो आउट करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो प्लांट्स हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी बॉडी से बाहर निकालते हैं वेस्ट को। जैसे कि रबर प्लांट है, जो रबर प्लांट है वो क्या करता है, वो लेटेक्स सीक्रेट करता है, वैक्सी सब्सटेंस सीक्रेट करता है जो कि नेचुरल रबर बनाने के लिए यूज किया जाता है, बट वो हमारे लिए यूजफुल है लेकिन उस प्लांट के लिए वो क्या है, उसका वेस्ट है। ठीक है, ऐसे ही जो अकेसिया है प्लांट, वो भी क्या करता है, गमी सब्सटेंस सीक्रेट करता है जिसे कहते हैं गम। ठीक है, तो वो भी बॉडी से बाहर निकालता है उसे। इस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी बॉडी के वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। आमतौर पर आप देखते हैं कि जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो येलो होने के बाद क्या हो जाती है, शेड ऑफ हो जाती है। येलो क्यों हो जाती है, क्योंकि उन लीव्स के अंदर क्या हो जाता है, बॉडी का वेस्ट जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है, और जब वो टोटली येलो हो जाती है तो प्लांट्स उसे एक्सक्रीट कर देते हैं, अपनी बॉडी से अलग कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो भी क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, और जो लिविंग दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी बॉडी वेस्ट को बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद है लिविंग बींग्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। अब देखिए रेस्पॉन्ड तो समझ में आता है, अब ये समझ में नहीं आता कि क्या है स्टिमुली। ओके, इसको भी हम समझेंगे स्टिमुली क्या है। जैसे आप कभी किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो क्या होगा, अगर वो बहुत ज्यादा हॉट है, बहुत ज्यादा गर्म है, तो क्या करेंगे आप अपने हैंड को जस्ट पीछे की तरफ खींच लेंगे, है ना, उसे आप उससे दूर कर लेंगे। तो ये क्या है, वो गर्म हॉट ऑब्जेक्ट जो है जिसे आप टच कर रहे हैं वो क्या है, स्टिमुलस है। वो क्या है, स्टिमुली। ठीक है, वो क्या है, स्टिमुली है। और रेस्पॉन्स आपने किसको दिया, उस हॉट ऑब्जेक्ट को दिया। कैसे दिया, बाय रिमूविंग योर हैंड, है ना, अपने हाथ को हटाकर। ऐसे ही अगर कभी क्या होता है, कोई भी बहुत ज्यादा ठंडी चीज है, ठीक है, तो उसको भी हम रेस्पॉन्ड करते हैं, या फिर सडनली कोई एनिमल हमारे सामने आ जाता है, डॉग है, वो बात करना शुरू कर देता है, तो हम उसे भी रेस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो कोई भी बाहरी एनवायरमेंटल फैक्टर जिसे हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, स्टिमुली है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब है दोबारा से प्रोड्यूस करना। अब यहाँ पे मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। अब वो जो वे है, सभी का जो तरीका है वो अलग अलग है। जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग ले करते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, है ना, स्नेक्स हैं, फिशेस हैं, तो वो हैन है, तो ये क्या करते हैं, एग ले करते हैं। अब कुछ ऐसे हैं जैसे कि काओ है ना, और लाइन है, लाइनस है, तो ये क्या करते हैं, ये अपने यंग वन को जन्म देते हैं। ठीक है, तो क्या है कि सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर यू कैन कॉन्टेक्ट मी।